हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गर्मी का जो सीज़न आ चुका है, तो आप लोग स्वस्थ रहो, हाइड्रेट रहो, पानी पियो। आज की कहानी का किरदार है समर। समर इज़ द फादर ऑफ ऑल फेस्टिवल। जैसा फलों का राजा आम हो सकता है, तो समर भी तो सीज़न का राजा हो ही सकता है ना। समर नहीं आएगा तो हम लोग इतना इंजॉय कैसे करेंगे, ये सारे फूल कैसे देखेंगे? और समर आए और ये चीज़ ना आए तो हो ही नहीं सकता। हर घर पे ये मेहमान बन के आता है, ये मिट्टी का घड़ा। पूरी साल तो किसी किसी के घर पे रहता है, लेकिन समर में ये स्पेशल मेहमान बन के हर घर पे आता है, क्योंकि इसका पानी जो होता है ना, इतना एक महक आता है, एक सोंधा सोंधा खुशबू आता है। तो देखा यहाँ पे ये स्टैंड भी मिल रहा था, तो सोचा ले ही लेते हैं। यहाँ पे कुकिंग पॉट भी मिल रहा था, ये आपको रास्ते में जाते जाते देखना, मिट्टी का घड़ा मतलब बहुत ही दिख जाएगा इस टाइम पे। बाकी सीजन पे उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। और ये तो दही जमाने वाला पॉट, ये भी दिख गया है ना, तो ये सोचा ये भी ले लेते हैं। पहले मुझे समर सीजन एकदम भी पसंद नहीं था, जैसा आप सबको भी किसी किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि गर्मी होता है, चारों तरफ चिपचिपापन होता है। लेकिन कुछ सालों में जब से मैंने सुना था किसी जगह पे समर इज़ द फादर ऑफ ऑल फेस्टिवल, तब से मुझे इससे प्यार हो गया। क्योंकि समर नहीं होगा तो आइसक्रीम का चुस्की का मज़ा हम लोग कैसे लेंगे? क्योंकि बाकी टाइम पे तो आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन बच्चों को तो इतना परमिशन नहीं मिलता है। बर्फ़ वाला आइसक्रीम, गन्ने का जूस, कितने सारे चीज़ें आता है समर के साथ। मिट्टी का घड़ा पानी को एल्कालाइन करता है, इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इसी पानी से मैं डिटॉक्स वाटर भी बना रही हूँ। ये पानी तो पीती हूँ पूरी जो समर सीजन है। देखो बाकी टाइम पे पी तो सकता है, लेकिन समर में इसका मज़ा कुछ अलग होता है। समर को एज अ फेस्टिवल हिसाब से इंजॉय करने के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, सुबह में बना के रख देती हूँ, या तो रात को बना के रख देती हूँ, 4-5 घंटा बाद वो पानी पीती हूँ। नॉर्मली मैं सीजनल फ्रूट देती हूँ, लेकिन स्वीटी को ऑरेंज पसंद है, तो घर पे ऑरेंज था तो वो भी डाल दिया मैंने। यहाँ पे क्यूकम्बर, पुदीना भी डाल देती हूँ, क्योंकि इसका खुशबू और हेल्थ वाइज तो पुदीना बहुत ही अच्छा होता है। ये है बेजिल सीड, जिसको हम लोग सब्जा बोलते हैं। इसका सबसे मज़ेदार चीज़ें लगता है फालूदा में है, लेकिन फालूदा हमेशा तो नहीं खा सकते हैं। तो इसको मैं पानी में इस तरह से भिगो के रख देती हूँ, तो पूरी दिन वही पानी थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ, क्योंकि बेजिल सीड जो सब्जा होता है वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है। समर में ये रेसिपी ना बनाएं तो समर अधूरा ही लगता है। हर साल मैं ये रेसिपी बनाती हूँ, घर पे सब बहुत चाव से खाते हैं। वो है ये टेंडर कोकोनट जेली। टेंडर कोकोनट का जो पानी है वो मैंने 2 कप लिया है, और जो मलाई होता है थोड़ा मोटा वाला जो होता है वो चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पे ये है अगर
और ये वेज है, प्लांट बेस्ड है, ये इस तरह से पाउडर हिसाब से मिलता है, तो मैं 3 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस हिसाब से देखना पड़ता है, जो कोकोनट के वाटर है उसमें थोड़ा सा शुगर मिलाया था, क्योंकि कभी कभार पानी उतना मीठा नहीं रहता है ना, ज़्यादा जो अगर है वो देंगे तो कभी कभार जो जेली होता है वो हार्ड बन जाता है, तो वो जब बॉयल आ गया उसके बाद उसको हल्का सा ठंडा कर लिया, एकदम ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा के टाइम ही जो चॉप्ड कोकोनट था, मतलब जो मलाई था वो दे के इसको एकदम तुरंत ही जो बोल पे आप सेट करोगे उसी बोल पे डाल के उसको अभी पहले नॉर्मल ठंडा करना है, उसके बाद फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा इसका मज़ा लो, घर पे सबको पसंद आएगा, इतना तो वारंटी दे सकती हूँ। और सब्जियों का राजा जैकफ्रूट है या आलू है, कोई कोई आलू बोलेंगे, मेरे हिसाब से मुझे जैकफ्रूट लगता है। बॉयल पोटैटो जैकफ्रूट को बॉयल कर लिया हल्दी नमक देके, उसको जस्ट मिक्स कर लिया, यहाँ पे गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, ब्लैक पेपर और नटमेग मतलब जायफल, इसको ग्राइंड करना है। पोटैटो जैकफ्रूट में मैंने थोड़ा सा बेसन दिया जो गरम मसाला बनाए वो थोड़ा सा, और इसमें चॉप्ड धनिया, हरी मिर्च, फाइनली चॉप्ड अनियन, उसमें ग्रेटेड अदरक, और ये जो नींबू का छिलका होता है ना वो हल्का सा, एकदम सफ़ेद वाला नहीं देना है नहीं तो कड़वा लगेगा, और नींबू का रस भी थोड़ा सा दे देना, और इसको पूरा मिक्स करके 1 घंटा रखेंगे तो अच्छा होता है। ग्रेवी के लिए तेल में तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, ग्राइंड किया हुआ अनियन देके उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट देके भून के, उसमें मिर्ची पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर सब देके अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद टोमेटो जो प्यूरी है वो देके, यहाँ पे सॉल्ट भी मैंने दे दिया थोड़ा सा बैलेंस के लिए, जो शुगर है वो दिया, और जो गरम मसाला बनाया था वो थोड़ा सा हाफ चम्मच छोटी चम्मच का देख के, इसको पानी देके इसको 15-20 मिनट बॉयल करना है, तभी वो असली टेस्ट आएगा।
गोल करके ना एमनी स्मूथ करो এই দেখো कटहल जैक फ्रूट हमारे वहाँ पे कटहल बोलते हैं, वो हर घर पे बनता है समर के टाइम, लेकिन ये स्पेशल कोफ्ते का रेसिपी समर पे एक बार तो बनना ही है। स्पेशली अगर गेस्ट आए तो आप उनको भी खिला सकते हो। जैसा जो मिक्सचर था उसको बॉल हिसाब से बना के मैदे में कोटिंग करके इस तरह से फ्राई करके जो ग्रेवी बन गया उसमें जस्ट उसको देख के 10 से 15 मिनट फिर से बॉयल करना है। लास्ट में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी दे के जस्ट उसको बंद करके कुछ देर के लिए रख देना। और ये थोड़ा सा कोफ्ते स्वीटी ने बोला था ऐसे खाने के लिए रखना, अच्छा लगता है। और ऊपर से लास्ट में थोड़ा सा फ्रेश क्रीम दे के ये सर्व करके देखो। समर हीट से बचने के लिए ये आम पोड़ा शरबत, जिसको नॉर्थ में आम पन्ना भी बोलते हैं, प्रोसीजर थोड़ा अलग है। बंगाली में इस तरह से रोस्ट करके बनाया जाता है, थोड़ा सा मिर्ची को भी रोस्ट करके उसके पल्प निकाल के उसमें शुगर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, भुना जीरा डाल के पानी दे के पेस्ट कर लेना है। उसमें थोड़ा सा पुदीना भी डालना है, अच्छा लगता है। और ये बॉडी हीट से बचाता है, स्पेशली लू जब चलता है ना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वीटी अभी कोचिंग के लिए जाती है ना, तो आते आते दोपहर हो जाता है और इतना गर्मी में जब आती है स्पेशली ये जो घड़े का पानी है उसके साथ मिक्स करती हूँ मैं, बॉटल में भर के रख देती हूँ, दो दिन चल जाता है, दो तीन दिन। शांतनु ऑफिस से आए उसके बाद हम लोग गए थे नर्सरी घूमने के लिए, क्योंकि समर पे फूल देख के बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ठंडी जगह होता है। नर्सरी में देखना पेड़ पौधा रहता है, उतना गर्मी नहीं लगता है। मुझे ये जो माधवी लता है इतना पसंद आया था, और मेरे हाइट के जैसा उसका हाइट था। झुमको माधवी लता बोलते हैं इसको, हमने पूछा उनको, और खुशबू इतना सुंदर, मुझे ले जाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरा बालकनी बहुत छोटा है। उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा बड़ा पॉट है ना, आपको जगह थोड़ा बड़ा चाहिए। पहली बार मैंने देखा है ऑरेंज कलर, ऑरेंज बोलो या रस टाइप का कलर का जो बोगनविला है, किसी के घर पे बड़ा बालकनी है या छत है तो ज़रूर ये ऑरेंज कलर का जो बोगनविला है वो ज़रूर लगाना। जहाँ पे पेड़ पौधा बहुत रहते हैं वहाँ पे गर्मी के टाइम भी इतना ठंडा, इतना सुकून फील होता है ना, जैसा नींद आता है ऐसा वाला फीलिंग्स आ रहा था।
आने के बाद शांतनु ने बोला, थोड़ा छाछ बनाओ, अच्छा लगता है। बटर मिल्क दही से मैं बनाती हूँ। नॉर्मली ट्रेडिशनली छाछ तो अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं तो ज़्यादातर दही से ही बनाती हूँ। हर घर पे ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन रहता है, जैसे भुना जीरा और इसमें काला नमक। ये दोनों तो हर घर पे ही पड़ता है। और नेक्स्ट डे हम लोग कहीं पे गए थे, शांतनु का एक काम था, आते आते मुझे एक दुकान दिखा था, तो सोचा चलो मिट्टी का बर्तन दिख रहा है, देखते हैं कैसा है। क्योंकि इसमें जो खाना बनता है, जो फूड वैल्यू है, वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है और वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, जेन्युइन जो मिट्टी का बर्तन है वो देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार टॉक्सिक वाला मिट्टी होता है ना, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। नीचे समर आए और फलों का राजा से कुछ रेसिपी ना बना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम को पानी में भिगो के टेस्ट करना है, अगर वो डूब जाए तो मतलब अच्छी वाली आम है, मतलब बिना मिलावट के पकाया हुआ। और अगर फ्लोट हो जाए तो मतलब वो कुछ मिलावट करके उसको पकाया जाता है। मैंगो प्यूरी में मैंगो क्रश देके थोड़ा सा मिक्स करके और ये आइसक्रीम मोल्ड में डाल के इसको फ्रीज करना है, जैसा आइसक्रीम बनाते हैं। और ये जो आइसक्रीम का मोल्ड है, ये समर पे हमने लिया था, तो अगर हो सके तो लिंक देने की कोशिश करूंगी। और ये है मेरा बचपन का प्यार। बचपन से मुझे ऑरेंज वाला जो आइस चुस्की बोलते हैं ना, ज़्यादातर देखना सभी चीज़ों को हम लोग आइसक्रीम ही बोलते हैं, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है, आइस का चुस्की। तो ऑरेंज क्रश में मैंने पानी मिलाया, थोड़ा सा शुगर पाउडर देके उसको घोल लिया। और ये जो मोल्ड है, कुछ मैंगो वाला बना रही हूँ क्योंकि स्वीटी को मैंगो वाला ज़्यादा पसंद है और मुझे ऑरेंज वाला। और एक है मिलावट वाला, मतलब आधा ऑरेंज आधा मैंगो, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पल्प बच गया था, सोचा ये ट्विस्ट वाला बना के देखते हैं। समर इज़ द फादर ऑफ ऑल फेस्टिवल क्यों कहा जाता है अभी समझ में आ रहा है। इतना गर्मी में देखो ये सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, क्योंकि उनका छुट्टी पड़ता है, समर वेकेशन शुरू हो जाता है। सारे ने अपनी बॉटल सजा के रखा है पीछे, बहुत छोटा छोटा बच्चे रहते हैं, थोड़ा मीडियम साइज़ का भी बच्चे रहते हैं। इनका खुशियाँ देख के लगता है हाँ, समर इज़ द फादर ऑफ ऑल फेस्टिवल। लेकिन हमारी कहानी बनता है किचन पे, समर की कहानी। जिंजर गार्लिक अनियन टोमेटो थोड़ा सा इमली, इसको पेस्ट बना लेना है।
तेल में मस्टर्ड, मिर्ची, करी पत्ता दे के अनियन जो फ्राई किया था उसमें यह मसाला डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। इस टाइम पे मैं सॉल्ट भी दे दूँगी क्योंकि सॉल्ट देने से अच्छा भूनता भी है। और जो मसाला पहले मैं रोस्ट करके रखी थी वो थोड़ा सा दे के अच्छी तरह से भूनना है। और ये मिट्टी का बर्तन में खाना बनाने का मज़ा बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कोकोनट मिल्क दे के जब बॉयल आ गया उस टाइम पे मैंने सुरमई फिश, हल्दी और नमक दे के जस्ट थोड़ा सा मैरिनेट किया था, वो दे के जस्ट 5 से 7 मिनट, जैसे भेटकी वगैरह फिश से बनाओगे तो बहुत अच्छा होता है इसका खुशबू। और बनने के बाद इसको जस्ट आधा घंटा रख देना है, तभी उसका टेस्ट बढ़ता है। और ये है समर स्पेशल मैंगलोरियन फिश करी, एक बार तो ज़रूर बनाना। समर पे मैंगो का और एक कहानी जो बुन रही है यहाँ पे। दूध में मैंने चुटकी भर केसर डाला क्योंकि कलर अच्छा आता है। उसके बाद दूध को उबाल के थोड़ा सा शुगर भी डाल दिया था और ठंडा होने के बाद मैंगो जो पल्प है वो मिक्स किया। और यहाँ पे मैंने दही लिया है, थोड़ा ज़्यादा करके खट्टा दही, पूरा दूध का मिक्सचर है वो मिक्स करके अच्छी तरह से पूरा मिक्स करना है। और उसको मिट्टी का बर्तन में देख के अभी 5 से 6 घंटा रात भर छोड़ देती हूँ। इसको फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे ठंडा करके खाने में जो मज़ा है, यही है समर का असली मज़ा। तो ये था हमारी छोटी छोटी समर की कहानी मेरी जुबानी। तो अगर कहानी अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोगों का प्यार हिसाब से लाइक किए बिना तो जाना मत।